अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने जा रहे हैं अपने किचन में नमक पारे, जो बिल्कुल मार्केट जैसे बनाएंगे हम, और ये टी टाइम का परफेक्ट स्नैक है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं हम नमक पारे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 2 कप मैदा। मोयन के लिए मैंने यहाँ पर घी यूज़ किया है, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने घी 1/2 कप ले लिया है, सॉल्ट मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, और इसके अलावा अजवाइन ले लिया है 1 टीस्पून। आप ये नमक पारे बनाकर अपने एयरटाइट कंटेनर में भी स्टोर कर सकते हो, जब भी टी टाइम में आप शामिल करना चाहें शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक खुला बर्तन, और मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगी मैदा। मैदा ऐड कर देने के बाद मैं ऐड कर दूँगी नमक। नमक ऐड कर देने के बाद मैं अच्छे से अजवाइन ऐड करके मिला लूँगी, ताकि नमक और अजवाइन हमारे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से मिला लेना है हमें, उसके बाद हमें मोयन ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे घी या फिर रिफाइन ऑयल। तो मैं यहाँ पर घी ऐड कर रही हूँ। घी को अच्छे से हाथ से मैदे में मिला लेंगे, ताकि पूरे मैदे में घी अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे जो नमक पारे हैं वो खस्ता बनेंगे। आपने यहाँ पर घी या फिर तेल की क्वांटिटी कम कर दी तो उतने परफेक्ट नमक पारे नहीं बनेंगे, इसलिए घी बिल्कुल कम ना करें। जितना ज़्यादा ऐड करेंगे उतना अच्छा, उतना खस्ता हमारा नमक पारे रेडी होंगे। तो इसी तरह से हम देखिए अच्छे से मिलाते जाएंगे, और अब हम यहाँ पर ऐड कर देंगे पानी। तो पानी हम यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, क्योंकि हमें इसका डो थोड़ा सा सख्त ही बनाना है, इसलिए तो थोड़ा पानी करके हम ऐड कर देंगे इसमें, और फिर अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। तो ये देखें, डो हमारा लगभग अच्छे से तैयार हो चुका है, और अब हम इस डो को रख देंगे 15 मिनट रेस्ट के लिए। आप चाहें तो हैंड टू हैंड बना लें, रेस्ट पर ना रखें। तो ये देखें 15 मिनट हो गए हैं, अब हम छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेते हैं इनमें से, और इनके अच्छे से पेड़ बना लेंगे। तो ये देखें, हमने अच्छे से सारे बॉल्स तैयार कर लिए हैं, और अब हमने ले लिया है चकला। चकले पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देंगे, और फिर अपना नमक पारे का जो शेप है वो रेडी करेंगे। तो जो हमने बॉल्स बनाए थे उनको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, और रोलिंग पिन की हेल्प से एक रोटी की तरह बना लेंगे, लेकिन हमें इसे मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो ये देखिए, हमने बेलकर अच्छे से तैयार कर लिया है, और मैंने कितना मोटा बेला है ये देखिए। तो अब इनके पीसेस हम कट कर लेंगे एक नाइफ़ की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं पतले पतले स्ट्रिप्स कट करने वाली हूँ, अगर आप चाहें तो मोटे मोटे स्क्वायर्स में कट कर सकते हैं, लेकिन जो मार्केट के नमक पारे होते हैं उसमें पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं, तो इसलिए मैं पतली पतली स्ट्रिप्स बना रही हूँ। तो ये देखिए, नाइफ़ की हेल्प से मैं पहले इनको कट कर लूँगी। पहले मैं सीधे सीधे कट कर रही हूँ, और फिर मैं बीच से कट लगा दूंगी, या फिर आप 2-3 भी कट लगा सकते हैं। तो इसी तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर लें, आप चाहें तो मोटी स्ट्रिप्स कट कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा बनाना चाहें। तो ये देखें, हमने सभी स्ट्रिप्स को कट कर लिया है यहाँ पर। अब बीच से भी हम यहाँ पर कट लगा देंगे, तो इसके एजेस जो हैं वो मैं निकाल दूँगी। तो मैं यहाँ से 2-3 कट लगा रही हूँ बीच में, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कट नहीं लगा रही हूँ। आप शेप देखें कि मैंने बड़े बड़े शेप में ही कट किया है, देखें। इनको अलग कर लेंगे, बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इसी तरह से सारे नमक पारे के शेप्स रेडी कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 कप तेल ऐड कर दिया है, रिफाइन ऑयल। इसको हम अच्छे से गरम होने देंगे, नमक पारे हम इसमें फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से हो गया है गरम, और यहाँ पर हमें गैस स्टोव का जो फ्लेम है वो सुपर हाई रखना है, और जब हम नमक पारे ऐड करेंगे ऑयल के अंदर तब हमें फ्लेम को लो कर लेना है, क्योंकि अगर हमें मार्केट जैसा कलर लाना है तो यहाँ पर हमें फ्लेम का काफ़ी ध्यान देना होता है। और आप इस बात का ख़ास ध्यान दें कि आपको पाती बनानी है नमक पारे के लिए, तो उसको मोटा ही बेलना है, ताकि जो नमक पारे के शेप हैं वो एकदम मोटे मोटे से बने, तभी हमारे नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे।
अगर आप पतले पतले नमक पारे के शेप बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तेल पी जाएंगे स्लो फ्लेम पे वो, और वो क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको हाई फ्लेम पर नमक पारे रेडी करने होंगे, जो सही नहीं है। तो देखें, हमने स्लो फ्लेम पर इनको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई किया है, कलर भी लगभग अच्छे से आ चुका है इसमें। तो मैं ऑयल से नमक पारे को बाहर निकाल लूँगी, लेकिन थोड़ा सा और सिकने दूँगी थोड़ी देर, ताकि और परफेक्ट सा कलर आ जाए। तो मैंने निकाल लिए नमक पारे तेल से, अब दूसरे वाले नमक पारे भी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए, अभी इस तरह से ऑयल में जाने के बाद फ़ौरन ये अलग हो जाएंगे, क्योंकि गरम गरम तेल है और नमक पारे जो हैं वो हम नाइफ़ से कट कर चुके हैं, तो इसलिए फ़ौरन से अलग हो जाएंगे। तो इसी तरह से स्पून को चलाते रहें, नमक पारे को अलग करते रहें। देखिए कितनी जल्दी से अलग हो गए ये ऑयल के अंदर। इन्हें भी मैं अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। ये देखिए कितने मोटे मोटे से पीसेज हैं, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया नमक पारे में। आप इसे बनाकर भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में, जब भी मन करे टी टाइम में शामिल करें। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।